अभी तो फिलहाल पड़ रहा है हमारा चाय और एक ब्रेड का। ये जनाब नाश्ता शुरू खत्म। आज प्रोग्राम बहुत ज्यादा खाने का है। शुरू हुआ तो खत्म हुआ ना सर, इस टाइम खत्म हो चुका है, इस टाइम खत्म हो चुका है। क्या बात है, मजेदार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन व्यू के साथ और नाश्ते के साथ। फिर से नाश्ता बनना है, बन गया, खा लिया, अब हम रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए थोड़ी देर में, रिलैक्स मोड में। आज पूरा ये टूर जो ना रिलैक्स मोड का, क्योंकि हैदर बोल रहे हैं हम सिर्फ रिलैक्स करने आए हैं, तो हम रिलैक्स कर रहे हैं। आज हमने सिर्फ रिलैक्स करना है, आज कल परसों अगले दो तीन महीने तक रिलैक्स, हम रिलैक्स ही करेंगे। हैदर हम रिलैक्स करेंगे, मिलते हैं बाहर। किसी को रिलैक्स नहीं करने देना, तुम ये करो तुम वो करो तुम ये ले आओ तुम वो ले आओ, रिलैक्स आप खुद कर रहे हो। बस तो रिलैक्स करने ही आए ना, तो हम सब आए हैं ना, आप अकेले थोड़ी आए हैं। तो यार रिलैक्स ही कर रहे हैं ना, ब्रेड कौन लाया? आपकी बेगम। तो यार कोई बात नहीं, आप जब से घर से निकले हैं आपने कोई काम किया है? एक भी कोई चीज खरीदी? सोचना पड़ रहा है। कोई काम किया है आपने? चार बंदे आपकी सेवा में लगे हुए हैं, कोई आपको नहला रहा है, कोई आपको खिला रहा है, कोई आपको कुछ कर रहा है, मतलब आप रिलैक्स तो आप करने आए हैं। सही है, हम तो आपकी खिदमत करने आए हैं। आपके शुक्रिया भाई, भी तो छोटे मेरे ही हो ना, ऐसी मारता यार। बड़ा खूबसूरत सीन हो, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आपको किसने कहा भाई वीरस का क्या बता? इस व्यू के साथ बैठे बैठे मुझे तकरीबन एक से डेढ़ घंटा गुजर गया, और अब यकीन करें कहीं पर जाने का दिल नहीं चाह रहा। मैं और हैदर भाई बैठे हुए, जोहर शुरू हो गई है अजाने। राइट, अब हम हो गए तैयार और चीजें मैंने रखनी है। अब हम जा रहे हैं एक ट्रैक पे, क्योंकि हमारा मूड था कहीं दूर जाने का, जितना हैदर बहुत तेज जा रहा था इस तरह। लेकिन हमने सोचा कि हम इतनी एग्जर्शन करके, इतना घूम फिर के, इतना लंबा चौड़ा सफ़र करके जाएंगे, लंबा हो जाएगा, हम रिलैक्स करने आए तो हम रिलैक्स पे फोकस करें। आराम से उठे, आराम से खाना पिया किया और नमाज पढ़ी, और अब गाड़ी पार्किंग से निकाल के अब हम जाएंगे एक ट्रैक करने, और साथ रहेंगे, इंजॉय करेंगे। हो गया आराम से, तुम खा रहे हो तो नहीं खींच रहे हो सारे दादा सत्तर। अच्छा, मैं बेखौफ से हूँ यार, लगता ही होना था वो तो कहने बंदे। दुनिया सियाहत का बेहतरीन ट्रैक अयूबिया नेशनल पार्क, पाइपलाइन ट्रैक इसको लिखा हुआ था बाहर, ठीक है। तो अभी ये ट्रैक हम करते हुए जाएंगे और सब मिल के करेंगे। पूछ लिया, जंगली जानवर जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहरहाल सेफ्टी फर्स्ट है। जब भी कहीं भी आए तो डे लाइट होनी चाहिए, प्लस आपके पास गैजेट्स पूरे होने चाहिए, और जैकेट वगैरह और टोपी
जो भी आपको एज पर वेदर वो होनी चाहिए चीज़ें, मेक श्योर कंफर्टेबल जॉगर होने चाहिए और ट्रेनर्स, बाकी ज़्यादा साइट सीन पे फोकस करें, ट्रैक पे फोकस करें, इंजॉय करें और ख़ूबसूरत नज़ारों के साथ सुभान अल्लाह कहते जाएं। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं पर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र आए यहाँ पर, तो आप क्या करें कि एक लकड़ी तोड़ लें लंबी सी और उसको अपने साथ रख लें, तो वो क्या है कि आपको वो हैंडी हो जाती है आपकी ट्रैकिंग में। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये शाम के हो रहे हैं, सुबह के नहीं हो रहे, लेकिन हमारा कोई इतना इरादा नहीं था कि हम पूरा ट्रैक करेंगे, हमने इसे विज़िट करना था और जितना हम कर सके इसको ट्रैक को हम करेंगे। राइट, ये वही ट्रैक है जो लास्ट ईयर हमने किया था ना, वो हमने दूसरी तरफ से किया था, तो ये अच्छा हो गया कि आधा पिछले साल कर लिया था आधा इस साल कर लेंगे, लेकिन बेहतरीन ट्रैक बना हुआ है और ज़बरदस्त खूबसूरत तरीन, क्वाइट बिल्कुल खामोशी से हमारी आवाज़ें आ रही हैं, अब जो अच्छी हैं बुरी हैं जैसी भी हैं हमारी आ रही हैं। मेक श्योर कि आपने बहुत ज़्यादा खा पी के नहीं आना यहाँ पर, द रीज़न इज़ वॉक है और बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा सहूलियात तो नहीं होंगी, और वैसे भी बहुत ज़्यादा खा के नहीं आना, और दूसरा अगर कुछ खाएं तो प्लीज़ यहाँ कुछ ना फेंकें, कीप क्लीन कीप ग्रीन, ये मैंने करोड़ के इसलिए बोला है कि प्लीज़ मान जाए। ये है, इस पाइप को कहते हैं पाइपलाइन ट्रैक बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये पाइप जो है, ये पानी का पाइप जो है पूरे पहाड़ों से होता हुआ ये पूरी जगहों पे सप्लाई, दैट्स व्हाई इस पाइपलाइन ट्रैक। कितना पुराना हो गया ये दरख्त, उफ सुभान अल्लाह, ये देखे सिलसिले लग रहा है कि अल्लाह लिखा हुआ है, खूबसूरत माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत स्मूथ ट्रैक बना हुआ, बहुत स्मूथ ट्रैक, बहुत ईजी, बिल्कुल ईजी, बायर सेफ्टी इज ब्यूटीफुल अमेजिंग। और अच्छा, और मज़े की बात जो ये व्यूज़ आते हैं ना, शेड देखें आप कितने पड़ रहे हैं, ये देखिए ये शेड, ये ऊपर अलग कलर आ रहा है सुभान अल्लाह। सही ठंड का अंदाज़ा आप लगा लें, अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है, ये बर्फ़ रखी हुई मतलब पड़ी हुई रखी हुई है, इसका मतलब है आप ठंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि ये कुछ है, चलते चलते मैं एक आपको बड़ी खूबसूरत मंजर दिखाता, चलते चलते अस्सलाम वालेकुम।
स्टार्ट है या वापसी है? तकरीबन स्टार्ट है। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है ना वो ये है कि इसकी खामोशी, इसका खामोश रहना, मध्यम रहना और डिफरेंट परिंदों की जो आवाज़ें और वो जो पहाड़ों के अंदर जो सराउंड होता है ना, वो जो चीज़ है ना वो बहुत फैसिनेट करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है और बहुत अपनी तरफ जो है ना वो माइल्ड रखती है टूरिस्ट को। प्लस इसके शेड, मतलब थ्रू आउट जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको शेड, काउंटलेस शेड है, सुभान अल्लाह, देख के मज़ा आ जाता है। माशाल्लाह सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, जवान घूम रहे हैं ट्रैक के अंदर कि कोई भी अगर कोई इशू है, कोई बात है तो ये देखें, आपने इसको यूज़ करना है, अगर यूज़ करने की बारी है तो। बस कुछ हम लेंगे ऐसी मंचिंग के लिए, बैठेंगे और फिर हम वापस होते हैं क्योंकि टाइम टाइम की बात है ना। राइट, सो इट्स 4 किलोमीटर ट्रैक, 1 किलोमीटर हमें डन कर लिया, 3 किलोमीटर रह गए। कितने की भाई? 100। इतनी सस्ती चीज़ में मिलती है यहाँ पे, सिर्फ 100 रुपये, लेकिन उन्हें 80 रुपये का नमक ही पाया अभी। मतलब 100 रुपये की चिप्स की प्लेट है, 80 रुपये का नमक है, 20 रुपये के पोटैटो हैं, ना नमक। अच्छा हम पूरा ना ट्रैक कर भी लेते, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने जो है ना अपना देखना है, एक ज़बरदस्त चीज़ है खानसपुर में, वो है हमने वहाँ पर सनसेट देखना है। अच्छा वो भी मैंने ही कहा कि यार वहाँ सनसेट देखते हैं, तो मेरी वापसी है, वापस हम जा रहे हैं, किलोमीटर हो गया और मज़ीद जो करना था और हम क्विकली फुल सीन हो गया, थोड़ा सा टाइम रह गया, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। सो खूबसूरत 7 पहाड़ चल रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर है। एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऐसा लग रहा है किसी जानवर की शक्ल बनी हुई है पहाड़ी पे, कोई शेर को, 2-3 जानवरों की, ये देखें। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जगह है, एक और जैसे जैसे शाम हो गई, ठंड बढ़ गई और जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो भी थोड़ा सा नीचे हो रहा है, लेकिन फिट। राइट, ट्रैक इज़ ओवर, फिनिश्ड, और अब हम गेट, मेन गेट आ गए, हम उससे बाहर जाएंगे। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही नेचर के करीब, ब्यूटीफुल, मस्ट रिकमेंडेड, ज़रूर विज़िट करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ट्रैक पाइपलाइन ट्रैक, बेस्ट एटमोसफियर, क्या खूबसूरत मौसम है और आउट क्लास। सब्सक्राइब, कॉमेंट, शेयर एंड लाइक ताकि मेहनत वसूल हो जाए। इसका एक रास्ता है डोंगा गली से और एक रास्ता है इसका अयूबिया से। जब आप अयूबिया से आते हैं ना तो वापसी पे आपको ये 2 रास्ते मिलते हैं, एक टॉप पे ले जाता है पार्किंग की तरफ और एक टनल की तरफ ले जाता है। तो अभी हम टनल की तरफ जा रहे हैं, आए हैं तो टनल भी देख रहे थोड़ा सा कि टनल का क्या इन्वायरमेंट है। बेसिकली दोनों रास्ते एक ही हैं, टनल भी पार्किंग पर लेके जाएगी और वो रास्ता भी पार्किंग पे ही लेके जाएगा। तो हमने चले एक रास्ते से आए, दूसरे रास्ते से, नए रास्ते चलते हैं। चाय पीनी किसी ने? छोटा सा चाय और कॉफी का ब्रेक, अभी हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक कॉफी का और चाय का, तो कॉफी चाय चलेगी जब तक सामने मेरे टनल है और उसके बाद हम अपनी पार्किंग में जाएंगे और बस। यहाँ पे नहीं, सॉरी, फैसलाबाद में भी स्टार्ट है कल से। छोटी सी टनल बनी हुई है, मोटू टनल, नाम कितना मजेदार है।
पानी गिर रहा है ऊपर से, क्यों गिर रहा है ये नहीं पता। टॉप हाइट देखनी है, सर ना लगे। फाइनली सुपर। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, हैदर भाई क्या हुआ? चाबी रह गई। ये ऊपर आ गए, चाबी नीचे रह गई, फैमिली नीचे रह गई, चाबी उनके साथ है। हैदर भाई क्लोज में मुझे लगता है फिर कुछ पता लग जाता है, थोड़ा बहुत, वाइड में नहीं पता लगता।